नमस्ते, हरि ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। ओके, आज के दिन भर का हम एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी जो भी हैं, आपके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आप लव कनेक्शन के लिए ही देखें, ये आप फ्रेंडशिप के लिए भी देख सकते हैं, अपने किसी रिलेटिव के इमोशन जानने के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्रश है, कोई भी सिचुएशन है, सभी के लिए ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो आई एम क्लियरिंग आउट द एनर्जी ऑफ प्रीवियस रीडिंग। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, वेलकम सभी को, वेलकम टू आवर फैमिली, वेलकम टू टैरो बाय टीजे। जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। ओके, चलिए लेट्स बिगिन द रीडिंग। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट अस ऑल। सबसे पहले हम देखेंगे गाइस के इस पर्सन की और आपकी जो कंबाइंड एनर्जीज हैं इस समय पर क्या हैं, यानी कि मिल करके आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने कनेक्शन में। एंड मैं फाइव कार्ड्स पिक करूंगी आप लोगों के लिए। पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जिसमें नंबर 7 दिखाई दे रहा है। देन यू हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आपका कार्ड है डेथ कार्ड। देन यू हैव 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, लेट मी जस्ट एडजस्ट देम। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी आ रही है 3 ऑफ कप्स की। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग आप में से शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट इस कनेक्शन में दिखाई दे रहा है वेरी क्लियरली। आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सातवां महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अक्टूबर का महीना, जुलाई का महीना, मई का मंथ और हो गया, और ये फरवरी भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। स्कॉर्पियो राशि सबसे ज़्यादा लोगों की है। ये इंसान जो है, इनका गुरु जो है वो अभी कुछ गुरु की कुछ महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है। ठीक है, इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ। इनका जुपिटर मुझे अफेक्टेड लग रहा है, जिसकी वजह से इनका माइंड और इनके लाइफ पैटर्न्स में जो है वो बड़े चेंजेस आ रहे हैं। एंड वी ऑल्सो हैव द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, द डेथ कार्ड ओवर हियर। ऐसा लग रहा है कि मिल करके आप लोग अपने इस कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में मैं देख रही हूँ कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पिंच कर गए हैं या आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पिंच कर गए हैं। जो नेम इनिशियल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे एच दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, एस से बहुत सारे लोगों के नाम हैं। ठीक है, डब्ल्यू और के भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और पी भी जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, यानी कि एक दूसरे से कहीं किसी दूर सिटी में, किसी दूर कंट्री में रहते हैं, अलग रहते हैं, या अभी रिसेंटली कुछ सेपरेशन हुआ है। आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ राज रख रहे हो, कुछ चीज़ें छुपा करके रख रहे हो और डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। आई कैन ऑल्सो सी कि आप लोगों की जो इमोशंस हैं एक दूसरे की तरफ, वो बढ़ते भी जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो फियर है एक दूसरे को खो देने का, जो डर है वो खत्म हो रहा है। इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो डर तब खत्म हो जाता है जब आप एक्चुअल में इंसान की बिल्कुल परवाह करनी छोड़ देते हो। दूसरा, आपका फियर तब खत्म हो जाता है जब आप 100% श्योर होते हो कि ये पर्सन आपको छोड़ करके कभी जाएंगे ही नहीं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आप कौन से वाले साइड से बिलोंग करते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक डार्क हॉर्स जंप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द पास्ट मेमोरीज अ लॉट, और प्रॉबेबली यू आर फोकसिंग टू मच अबाउट द पास्ट। आप और आपकी व्यक्ति जो भी हैं, पुरानी पिछली बीती हुई बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं,
और ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी बातों को वापस से प्रेजेंट में लाने की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, या थर्ड पार्टी की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे कि तीसरे इंसान के बहकावे में आकर के, थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर के आप लोगों के बीच में किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट हो जाए, ऐसा भी होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। आप लोगों का जो बेसिक नेचर है ना, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफर करता है, वेरी वेरी डिफरेंट। ओके, एक पर्सन एक्सट्रीमली फेमिनाइन है, एकदम इमोशनल, ओके, वेरी इमोशनल, एंड द अदर पर्सन इज एक्सट्रीमली मैस्कुलाइन, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और दिमाग से चलने वाला। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये इतना डिफरेंस होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े रहे हैं, एंड आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, या सम हाउ स्टिल यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग, ये यूनिवर्स की जो ऊर्जाएं हैं वो फिर भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे क्लोज लाना चाहती हैं, डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का यहाँ पे अलग ही कुछ गेम चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ यू नो मेंटल मैनिपुलेशन या इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकती है आपके पर्सन के तरफ, या हो सकता है कि आपकी लाइफ में खुद से कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो। ओके, लेट्स सी सम स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन की स्पेसिफिक एनर्जी आज के दिन भर में आपके टूवर्ड्स कैसी रहने वाली है? फोर ऑफ सॉर्ड्स, काफी सारे लोग जो हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और स्टॉक कर रहे हैं एक दूसरे को। पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, शांति बनाए रखना चाहते हैं या रिकनसाइल करना चाहते हैं लेकिन अटक गए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। ओके, बट अल्टीमेटली दे हैव दिस थॉट ऑफ मीटिंग यू, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, ये थॉट्स इनके माइंड में हैं, लेकिन हेजिटेशन बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि ये ऑफर लेकर के, अपना हील्ड हार्ट और हील्ड इमोशंस लेकर के भी अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आपकी तरफ से किस तरीके का रिएक्शन होगा, नोइंग, जानते हुए कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, या किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर के मे बी आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन, दिस पर्सन इज अ बिट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, आपको लेकर के इनकी एनर्जीज जो है थोड़ी सी ऐसी डामाडोल ही दिखाई दे रही हैं, और इस वजह से हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाएं किसी बात को लेकर के, चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन की जो एनर्जी है वो यहाँ पे थोड़ी सी हाई मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के ऑरा में। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको आपसे बात करनी है लेकिन इनको आपसे बात करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने काम को भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी मैनेज कर रहे हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो सकता है गाइस, इनका सर दर्द हो सकता है या पैरों में अर्थराइटिस या ऐसी कोई इशू हो सकता है, ब्लड रिलेटेड कोई इशू इनका हो सकता है। ठीक है, जिसको ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ यहाँ पे इनका जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना किसी ऐसे पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, एंड प्रोबेबली आप अनमैरिड हो। ओके, वन पर्सन इज़ मैरिड, अनदर पर्सन इज़ अनमैरिड, ये सिचुएशन भी चल रही है यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो ये इंसान अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं कि इनको अपनी फैमिली की तरफ इनका झुकाव होना चाहिए या आपकी तरफ अट्रैक्शन जो ये महसूस कर रहे हैं वो सही चीज़ है या गलत है। अगर आप लोगों की एक दूसरे से बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, एकदम कम्प्लीटली कट ऑफ है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ये पर्सन आपको इंटरनेट के माध्यम से स्टॉक कर रहे हैं या आसपास के लोगों से जो भी आपको जानते हैं उनसे आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और ये पास्ट के बारे में सोच रहे हैं कि किस वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई अननेसेसरी, मतलब एकदम बेकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और किसी छोटे से इशू की वजह से आप लोगों के बीच में बातचीत होनी बंद हो गई है। कोई ये ऐसा इशू था जिसको मिलकर के आप लोग बहुत आराम से सुलझा सकते थे, बहुत इजीली आप एक दूसरे के साथ मिलकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, बट सम हाउ लैक ऑफ कोऑपरेशन की वजह से ये प्रॉब्लम जो है एकदम क्या बोलते हैं तिल का ताड़ बन गया है, छोटी सी बात जो है वो बहुत बड़ी हो गई है। ओके, और कई लोगों का तो इतना गैप हो गया है कि उस गैप की वजह से कि भाई 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, महीना भर हो गया या साल भर हो गया, इतना टाइम कभी हुआ ही नहीं कि इस पर्सन से बात ना हुई हो, तो इस वजह से वो एक अजीब सी यू नो हेजिटेशन बिल्डअप हो गई है कि दोबारा बात करें तो किस मुंह से करें। ओके, ये चीज़ इनके माइंड में है, ये इनकी आज की एनर्जी है। अगेन, जिनकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है ना, जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अभी कुछ दिन 4-5 दिन हो गए हैं, हम लोगों ने एनर्जी चेक नहीं किया है, सो आई विल ब्रिंग अ न्यू रीडिंग फॉर यू गाइज, स्टे इन टच। फिलहाल इस रीडिंग के लिए इतना ही, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, दैट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज।
पर्सनल कंसल्टेशन, पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं, जो कि पेड होती है, फ्री नहीं होती है, और आपको 18 इयर्स एंड अबव होना ज़रूरी है टू टेक अ पर्सनल कंसल्टेशन, भले ही आप टैरो के माध्यम से ले रहे हों, क्रिस्टल बॉल रीडिंग ले रहे हों, पेंडुलम डाउसिंग ले रहे हों, या हीलिंग ले रहे हों, वॉट एवर इट इज़, मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है? सो गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. जो लोग नए हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए. नमस्ते एंड टेक केयर.